हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप काफ़ी अच्छे होंगे और अपने घरों में बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपके लिए फिर लेके आई हूँ हैंकी टक ब्लॉग। और आज ब्लॉग में मैंने दो छोटी छोटी वीडियोस और ऐड कर रखे हैं, प्लीज़ वो भी ज़रूर देखिएगा, हॉस्पिटल की। तो क्योंकि ये ना अलग से बना रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था, और कुछ रूटीन में ही अच्छा लगता है कि हम कुछ और दिखाएं, तो उतना सा मेरे पास बहुत छोटी वीडियोस थी वो, तो मैंने इसी में एडिट कर दी थी। मैंने वो वीडियो एडिट कर दिया 17 नवंबर और 18 नवंबर, जिस दिन हॉस्पिटल से छुट्टी हुई है, वो दोनों थोड़ी छोटी क्लिप इसमें मैंने ऐड कर रखी हैं। तो इधर चाय बनने के बाद मैंने फटाफट, चाय बन रही है मेरी साइड में, मैंने दाल भी रख देती हूँ, आज बनानी है दाल मुझे, और काफ़ी काम था तो मैंने कहा चलो भाई ये वीडियो मैंने इसके संग डाल देती हूँ। और एक वीडियो और है जिसका मैं एडिटिंग अभी नहीं कर पाई हूँ, वो आपको मैं दूंगी, देवठान वाला, थोड़ा कल या परसों मैं दूंगी, इसके बाद ही जस्ट मिल जाएगा आपको देखने को। तो फटाफट से मैं अभी चाय बना लेती हूँ, और आजकल नहाने के बाद ठंडा सा मौसम हो जाता है ना। तो मैंने चाय रखने के बाद आ गई हूँ अपने बालों को कंघी करने के लिए। मैं चलो भाई बालों में कंघी भी कर लेते हैं, फिर सुबह मॉर्निंग में जो बाल कट जाए ना सही रहता है, नहीं तो फिर बाद में ना पूरा दिन मेरा तो कई बार ऐसे ही निकल जाता, कंघी भी नहीं हो पाती, क्योंकि शायद मेरे संख्या कई लेडीज संग होता है। तो मैंने हैंकी भी टक कर लिया है, तो हैंकी दूसरी तरह से टक हुआ था, तो मैंने दोबारा सही से लगा के फिर कर रही हूँ। तो इधर मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ, तो साड़ी में लुक अलग ही आता है। मम्मी को काफ़ी खुशी होती है जब भी मैं साड़ी पहनती हूँ, वो कहते हैं चलो साड़ी पहने, साड़ी पहनने के बाद बहू बहू लगती हैं, तो वो तो है सच्चाई है। साड़ी से जितना अच्छा गेटअप आता है, आप कुछ भी पहन लीजिए, लेकिन साड़ी के बाद, वो साड़ी के बगैर कोई गेटअप नहीं आता हम लेडीज़ों का। तो फटाफट से मैं तैयार हो गई हूँ, तैयार तो कहीं नहीं कर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप काफ़ी अच्छे होंगे और अपने घरों में बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो आज है सैटरडे, सैटरडे को ब्लॉग बनना होता है हैंकी टक साड़ी का। तो मैंने कहा चलो भैया सूट भी, सॉरी वीडियोज़ भी बना लेते हैं साड़ी पहनी है तो। और चाय मैंने अभी नहीं पी, चाय रख दी बनने और दाल भी रख दी बनने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह काम तो होता है, मॉर्निंग का बहुत काफ़ी अपने बच्चों को भी देते हैं बन गई। पूछी थी किस चीज़ को मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिलता, प्लीज़ मुझे वो कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आजकल मेरे वीडियोस पे काफ़ी कम व्यूज़ आ रहे हैं, बल्कि क्लीनिंग वीडियो पे तो काफ़ी अच्छे व्यूज़ आते थे, वो भी नहीं आए। और हैंकी टक की साड़ी टक में, सॉरी साड़ी में भी, ब्लॉग पे भी काफ़ी अच्छे व्यूज़ आते थे, पता नहीं एक हफ्ते से मेरी वीडियोस पे व्यूज बहुत ही ज़्यादा कम आ रहे हैं। तो इसके लिए मैं भी खुद समझने वाली क्यों आ रही है, क्योंकि मैं अभी खुद भी कंटिन्यू टाइम नहीं दे पाई। तो ये देखिए आफ्टरनून हो गया है और मेरा खाना बन के तैयार है, तो मैं ज़्यादा सूट नहीं कर पाई हूँ, तो बच्चों को खाना दे दिया है, मम्मी को भी दे दिया है मैंने, तो बस अब मैं खा रही हूँ दाल चावल। तो दिन में थोड़ा सा मन सा करा दाल चावल बनाने का, तो दाल चावल भी गर्म है, और आपको पता ही मैं खुले में ही चावल बनाती हूँ फ्राई पैन में। तो देखिए दाल चावल बन के तैयार है, और प्याज भी कट कर लिया है, फटाफट से दाल चावल खा लेती हूँ मैं, और गर्म गर्म दाल चावल काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो अब मिलेगा आपको हॉस्पिटल का ब्लॉग। तो आज का ये है 18 नवंबर का वीडियो। तो इधर मैंने कहा चलो अभी फ्लोर क्लीन कर लेते, सुबह मतलब लगभग 5 बज रहे होंगे, तो मेरा पोछा लग रहा है, तो मैंने दिखाना भूल गई आपको कि बाहर कितना अंधेरा हो रखा है। मैंने कहा चलो फटाफट पोछा मार लेते हैं, हॉस्पिटल जाना है, जल्दी सारे काम करने हैं, तो उसके लिए मुझे जल्दी उठना भी पड़ा, तो ये भी जल्दी जाएंगे आज। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं तो पैदल निकल जाऊँगी, ज़्यादा दूर नहीं है हमारे यहाँ पर वो हॉस्पिटल, तो पीयू को मैं साथ लेके जाऊँगी। घर पे तो छोड़ा, तो दोनों बेटों बच्चों में लड़ाई ज़्यादा होगी, तो पीयू को तो मुझे संगी रखना पड़ेगा, तो वो देख लूँगी मैं। तो फटाफट से यहाँ पर पोछा मार लेती हूँ मैं, और यकीन नहीं मानेंगे बैठने से जो पोछा लगता है ना, वो बहुत ज़्यादा क्लीन हो जाता है घर, और खुद अच्छा सा लगता है, एकदम फर्श में भी चा शाइनिंग रहती है। अगर आप वाइपर वगैरह से लगाते हैं तो मुझे तो वो शाइनिंग बिल्कुल भी नहीं लगती, लेकिन हाँ कई बार जैसे अभी सर्दियाँ आ रही हैं, तो हम एक बार तो ऐसे मार लेंगे, लेकिन सेकेंड टाइम हम सोचेंगे वैसे ही पोछा मारें। तो इधर मेरे देखिए हॉस्पिटल भी आ गई हूँ, नहा धो के तैयार हो गई हो, पीयू भी आई, रौनक भी बैठी हुई है इधर, तो भाभी बैठी हुई थी, भाभी मतलब रुकती हैं रात को, और मतलब रात तक के सुबह तक मेरे संग 11-12 बजे तक रुकती हैं वो उस रात को आके, तो वो और मैं ही देख रहे हैं, और दीपक जी वगैरह सब लोग देख रहे हैं, क्योंकि ना अभी उसका ऑपरेशन हुआ है, तो आप समझते हैं ऑपरेशन में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो भाभी को कैमरे में नहीं आना हो, क्या हिंदी में नहाई धोई नहीं, तो वो जल्दी से, कई लोग कैमरे में नहीं आना चाहते, तो मैं उन्हें जल्दी लाती भी नहीं हूँ, कि जब तक इंसान अपनी तरफ से ना कहे जाता वो बेकार है। तो इधर देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको बाथ टॉयलेट वगैरह, तो मैंने चलो थोड़ा सा सूट कर लेती हूँ, मैं बहुत कम सूट करती हूँ आपको पता ही है बाहर का। तो इधर फिल्टर लगा हुआ है, तो इधर फिल्टर का पानी गर्म ठंडा नॉर्मल आपको सारा पानी मिल जाता है, तो ये सीधे रूम से निकलते ही है जिस रूम में वो एडमिट थी,
तो देखिए यहाँ पर कितना अच्छा सा लग रहा है ना, मतलब मुझे बड़ा अच्छा सा लगा कि सफाई भी है और काफ़ी नर्सें भी काफ़ी सपोर्टिव हैं। तो मैंने कहा चलो दिखा देती हूँ आपको, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बताइएगा कैसा लगा आज का व्लॉग। तो ये है जिस दिन हमारी छुट्टी हुई थी उस दिन का पार्ट, तो ये सारा सामान पैक